फिलहाल तो मैं जा रही हूँ बर्गर खा रही हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ बर्गर खाने के लिए। मैं जैसा आपको आते टाइम बता रही थी कि आज तो बर्गर वाली गली जाने का प्लान है। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये बार कम रेस्टोरेंट है और यहाँ पे दारू आई मीन ड्रिंक अल्कोहल वाली ड्रिंक भी मिलती है और नॉनवेज भी मिलता है। बट आई एम हियर स्पेसिफिकली फॉर वेज बर्गर जो यहाँ का मतलब ऑसम मतलब मैंने सिंगापुर में इससे अच्छा वेज बर्गर और कहीं नहीं खाया है। इसलिए दिस इज बिकम वन ऑफ माई फेवरेट वेज बर्गर स्पॉट। तो आज हम अंदर जाने वाले हैं और मस्त बर्गर खाने वाले हैं और यहाँ का जो एम्बियंस है ना यूरोपियन स्टाइल में है तो उसको इंजॉय करने वाले हैं। सो लेट्स गो इनसाइड एंड ऑल्सो आई हैव ए फ्रेंड इनसाइड सो आई एम गोइंग टू लेट यू ऑल मीट माई फ्रेंड। चलो नंदूस नंदू करेक्ट। तो कैमरा के पीछे हमारे पास अनीश जो इसके हस्बैंड है तो उन्होंने सही याद दिलाया कि नंदूस के जो सॉसेज हैं मैंने सुना है कि लोगों को बहुत पसंद आते हैं। इनफैक्ट मुझे भी अच्छे लगते हैं नंदूस के सॉसेज बट यहाँ के सॉसेज भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ का सबसे स्पेशल सॉस है कौन सा है ये वाला ऑरेंज स्नैप सॉस ये भी बहुत अच्छा है ना माय फेवरेट। और ये मेरा जो फ्रेंड है ये फिटनेस फ्रीक है और मैं इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ये देखो इसके इसने काफ़ी कोशिश करी कि मुझे सिखाए बट इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल। वैसे बाय द वे इस रेस्टोरेंट का जो नाम है वो है हेंस इम ग्लू भूल तो ये जर्मन बेस्ड रेस्टोरेंट कम बार है और इसका नाम है हेंस इम ग्लू जो मुझे हमेशा डिफिकल्टी होता है प्रोनाउंस करने में बट एनीवेज इट्स ओके। बर्गर इम्पोर्टेंट है रेस्टोरेंट का नाम नहीं है फूड इज मोर इम्पोर्टेंट शी अग्रीज विद मी। तो यस अब मैं काटने वाली हूँ इस मोटे मोटे बर्गर को और प्लस मेरी कॉफ़ी भी आ गई है तो मैं जनरली पीती नहीं हूँ वैसे को बट ठीक है विद बर्गर आई थॉट इट्स ओके आई कैन ट्राई कॉफी। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई इसको काटना मतलब गलती से ब्लैक कॉफी ऑर्डर कर लिया एंड यहाँ पे शुगर पैकेट भी नहीं मिला करेक्ट। हमने मस्त अभी कंप्लीट कर लिया है अपना बर्गर और कॉफ़ी तो इट वाज सो अमेजिंग मतलब मैं तो तृप्त हो गई हूँ खा के और अब हम टूटने वाले हैं इस स्वीट पे। लुक सो अमेजिंग आई कांट वेट टू हैव इट। सो आई जस्ट हैड द बेस्ट बर्गर एंड देन आई हैड कॉफ़ी एंड देन आई हैड मिठाई के नाम पे ब्राउनी एंड देन देयर वाज क्रीम एंड देन देयर वाज सम वनीला आइसक्रीम
एंड इट वॉज जस्ट सो अमेजिंग. मतलब बर्गर तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे तो यहाँ का बर्गर दी बेस्ट लगता है. तो अगर आपको ऐसा कुछ वेजिटेरियन बर्गर सिंगापुर में ट्राई करना है देन डू कम हियर. दिस इज द बेस्ट बर्गर आई कैन रिकमेंड टू समबडी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. बाय बाय.